कितने साल बाद मैं तो अपने घर में रोज ही आती है ना खुशू, है ना आदि आदि पादी गांव वाले घर में मेरी पहले ही वो है ये। गाइस अभी हम दूसरे घर में ही जा रहे हैं अपने, मतलब ऊपर वहाँ पे मामी औरों को भी ये सब ही करना है। अभी मामी भी पीछे है, सबसे पहले चलते हैं। चिल के घर है क्या वो क्या? सर्वे काल तो नहीं हो रहा तेरे घर में? हैं वाह लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हैं हम लोग घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रूम में आ चुके हैं, सब डेली भेंट ली है और हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ चल रही है स्टोरी बहुत सारी, बताओ कौन कौन है। ताऊ जी बताओ आगे वाली। सबसे पहले वाली फोटो किसकी है? बुआ और फूफा जी की और उनके दो बच्चे। तो ये बुआ फूफा जी और उनके बच्चे और ये फिर पापा मम्मी पापा, ये दादाजी, ये दादाजी और छोटा बच्चा गोद में दादाजी के विनोद भैया। अच्छा और ये ताऊ ताई है, ये ताऊ ताई हाँ। जो ताऊ जी ये है वही ताऊ जी ये है और ये है सबसे छोटी वाली बुआ और फूफा जी बक्ता मामा और ये ताई जी के भाई हैं, ये हमारी छोटे फूफा जी हैं। ये दिख नहीं रही ये वाली दिखी नहीं रही और ये हमारे दादा दादी हैं। ये दादा दादी हमारे जूम लो जूम ले लिया ये मम्मा ये मैं और ये पापा जी हमारे। हेलो तो कर दो और ये हमारे ताऊ जी है, ताऊ जी आप भी हेलो कर दो। हेलो, अब व्लॉग देखते रहना, अब व्लॉग देखते रहना। गाइस गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, हमारी दीदी चाय लेके आ चुके हैं। जी आप कितने टाइम बाद आए? अंधेरी चाय मैं क्या कर रहा हूं यार यहां और क्या पापा के लिए दूसरी चाय। अच्छा तो गाइज ये है हमारा किचन, दिखाया कब दिखाया? नहीं पहले दिखा दिया। और दीदी बना रही है चाय, बन चुकी है मतलब ये गांव के गांव मतलब ये पुराने टाइप की आलमारी है गांव की। और ये हमारी ताई जी है, ताई जी प्रणाम। हेलो हाय कर दो। हाय, कैसा लग रहा है गांव आके आपको? बहुत अच्छा। कितने साल बाद? मैं तो अपने घर में रोज ही आती। ऐसे मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है दी? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया अपने घर में, बहुत अच्छा है ना। हाँ अपना घर तो सुंदर ही होता है। ठीक है तो क्या कर मैं ये? तो गाइस मेरे को ना छोटे मेरे भांजे और मेरे पति देव घर घुमा रहे हैं अभी। दीदियां तो काम पे लगी हैं पर मेरे को घर घुमाया जा रहा है। अभी सब रूम में ले जाके मुझे दिखाया जा रहा है कहाँ पे क्या है। अरे देवता का स्थान है, मेरे दादा दादी, ये हमारे दादा दादी जी हैं और यहाँ पे ये ना वाओ पेंटिंग की है ये दादा दादी हैं। ये पेंट ये हमारा घर है पीछे दिखा। हाँ अच्छा मैंने तो अब ध्यान दिया पेंटिंग की हुई है ये, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। रियलिस्टिक पेंटिंग उस टाइम की, कितनी सुंदर पेंटिंग है। और यहाँ से हमारा किचन दिखाई देता है जिसमें दीदी अभी काम कर रही है कुछ। चलो जी पतिदेव जी आगे और दिखाओ कुछ। और बाकी तो मैं आप लोगों को चप्पल पहनू, चप्पल ठंड लगेगी। यहाँ से गांव दिखाती मैं आपको, लेकिन इसका नज़ारा आपको मैं सुबह दिखाऊंगी क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है और हम थोड़ा रात हो गई है तो फिर अब नहीं दिखेंगे, है ना खुशू, है ना आदि आदि पादी। तो गाइज़
हम लोगों ने कर लिया चेंज और अब रात का टाइम हो चुका है तो खाना तो ऑब्वियस बनाना है ही, ठीक है। और आज हम बना रहे हैं मंडुवे की रोटी। तो मंडुवे की रोटी बना रही हूँ लेकिन थोड़ी पतली बना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम मेरी नहीं है, मेरी सेकंड रसोई है। एक रसोई वहाँ हो चुकी है और एक गांव वाले ससुराल में, मतलब गांव वाले घर में मेरी पहली वो है ये बस। बाकी चलो अभी सब खाने बैठ गए हैं तो फिर जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो तब तो गाइज़ हम लोग खाना खुना खा पी के बर्तन बुर्तन धो धा के आ चुके हैं अपने अपने रूम में और बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अभी तो मैंने आपको अपनी पूरी फैमिली से भी नहीं मिलाया, ताई और नहीं ताई से मिला दिया, ताऊ जी से भी मिला दिया, वैसे सबसे मिला दिया है। तो चलो जी हम लोग जा रहे हैं सोने और ठीक है फिर कल मिलते हैं। कल हमारी पूजा होगी और मे भी मैं पूरे दिन पूजा में ही रहूँगी तो पता नहीं कैसा व्लॉग बनेगा और कितना व्लॉग बनेगा, और क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी आए होंगे तो देखते हैं जैसा भी होता है। जितना हो सके ट्राई करूँगी व्लॉग बनाने की और जल्दी जल्दी डालने की, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।